हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के एक नए कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मॉडिफाई पैनल में, यहाँ पे कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कमांड है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, तो आपने एक ड्राइंग यहाँ पे आपने ड्रॉ की है। ठीक है, ऐसी कोई आपने अगर ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ की है, अब आपने इस ड्राइंग को क्या कर दिया है, ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, और सेव कर दिया। तो जब भी आप किसी को एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सब सिलेक्ट हो रहा है, पर अगर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करनी है अपने ड्राइंग में से और कहीं पेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अगर रखेंगे कर्सर आपका, तो पूरा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अब मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो देखिए ये कॉपी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, पूरी कॉपी हो रही है। ठीक है, पूरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी हो रहा है। देखिए ये ऐसा ही यहाँ पे बन गया, पर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ स्क्वायर को कॉपी करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए है यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे पूछेगा, तो सिलेक्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स टू कॉपी। ठीक है, तो क्या आपको कॉपी करना है, तो मुझे ये स्क्वायर को कॉपी करना है, तो मैं स्क्वायर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन में आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, फिर मुझे पूछेगा यहाँ पे स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी मुझे जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उसको मैं कहाँ से पकड़ूँ। तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, क्लिक किया। उसके बाद आपको जहाँ भी कॉपी करना है उस ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा ऑप्शंस है। अगर हम दूसरे ऑप्शंस उसमें देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे नेस्टेड कॉपी ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ पे मैं गया सेटिंग में, फिर यहाँ पे आपको पूछेगा इंसर्ट एंड बाइंड। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इंसर्ट रख सकते हैं, आपको बाइंड रखना है तो वो भी रख सकते हैं। फिर आपको कॉपी करना है, जैसे कि मैं इस बार इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर एंटर दबाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखा, पूछेगा आपको डिस्प्लेसमेंट, तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्लेसमेंट था हमने जो पहला तरीका यूज़ किया। अगर आप मल्टीपल यूज़ करते हैं, तो आपने अगर यहाँ पे क्लिक करके बेसमेंट पकड़ लिया, तो आप मल्टीपल तरीके से कॉपी कर सकते हैं। एक यहाँ पे करना है, एक यहाँ पे करना है, एक यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आप मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा कमांड है, एक बार ट्राई कीजिए, आपको जरूर से जरूर आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।